पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित पाठ उषा। प्रात नभ था बहुत नीला, संख जैसे भोर का नभ, रात से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे घुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। प्रस्तुत कविता आरोह भाग दो में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता उषा से ली गई है। इस कविता में भोर के पश्चात उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का चित्रण हुआ है। प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पहले भोर के समय का आसमान नीले संख जैसा लग रहा था। आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तुरंत कराग से लिपा हुआ चौका। कभी आकाश में उषा के आगमन के कई बिंब बनाता हुआ बताता है कि उषा काल में ऐसा लगा मानो आकाश रूपी काली से थोड़े से लाल केसर से भूल गई हो। वस्तुतः ये सूर्योदय के पूर्व आकाश में फैलती हल्की लालमा युक्त आभा का बिंब है या किसी बालक ने काली स्लेट पर थोड़ी सी लाल खड़िया या चाक मल दी हो। कविता में प्रातःकालीन आकाश में होने वाले सूर्योदय का गतिशील चित्रण हुआ है। कभी आकाश में हो रहे परिवर्तनों को ग्रामीण उपमानों के जरिए प्रस्तुत करता हुआ ऐसे गतिशील शब्द चित्रों को उपस्थित करता है जो नैसर्गिक प्रकृति की सुबह से जुड़ा है। गांव की सुबह में राग से लिपा हुआ चौका, काली सेल, स्लेट पर खली खड़िया से लिखते नन्हे बालकों के हाथ, युक्ति और प्रकृति का सम्मोहक वातावरण सभी कुछ मौजूद है। प्राक नभ यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत काली सिल में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और पूरे पद में उषा का मानवीकरण प्रस्तुत किया गया है।